आपको दिखाते हैं ये दिल्ली से कानपुर होते हुए और ये बनारस होते हुए कलकत्ता को जाने वाला ये नेशनल हाईवे NH 32 है। और इस पर कुछ समाज सेवी लोग जैसा कि हिसार के हरियाणा के हिसार जिला में संत रामपाल जी महाराज, जो कि भी कुछ समय पहले एक बहुत बड़ा प्रकरण वहां पर गवर्नमेंट द्वारा अभियान चला गया, तो वहां पर संत रामपाल जी महाराज हैं, उनका यहां पर भंडारा चल रहा है निरंतर। और ट्रक से लोग, ट्रक भर भर के आ रहे हैं लोग, और यहाँ पर आके वो लाइन में लग कर उनके सेवादार जो भी हैं वो लाइन में लगाते हुए सोशल डिस्टेंस का पालन कराते हुए सभी को भोजन का पैकेट दे रहे हैं, किसी को एक किसी को दो। जैसा कि सामने दिख रहा है, आप देख सकते हैं गाड़ी से लगातार लोग उतर के आ रहे हैं और राहत पैकेट वो ले रहे हैं और अपनी भूख को मिटा रहे हैं। देखिए आपको दिखाते हैं एक भाई साहब हमारे साथ हैं जो कि ट्रक से आए हुए हैं। सर आप कहाँ से आए हो? अच्छा भिवंडी महाराष्ट्र। तो ये जैसा कि आप लोग बहुत सारी संख्या दिख रही है, ट्रक में आप लोग बैठे हुए हैं, कितना पैसा आप लोगों का खर्च हो रहा है यहाँ पर आने के लिए? भैया लाइन में लाइन में तो भाड़ा हो गया। एक व्यक्ति का एक व्यक्ति का 3,000 रुपए भाड़ा ये देकर अपने घर को जा रहे हैं, जो कि भिवंडी महाराष्ट्र से चलकर इस समय ये वर्तमान में यूपी के प्रतापगढ़ में पहुंचे हुए हैं। और इस प्रकार से तो बहुत बड़ा बजट आप लोग का बना होगा, आपकी संख्या बहुत ज़्यादा है, क्या आप लोगों ने कहा नहीं बहुत अधिक पैसा आप ले रहे हैं इसके लिए? आप मजदूर वहाँ भूखे मर रहे हैं। देखिए एक सूचना सामने निकल के आई है कि वहाँ महाराष्ट्र में महाराष्ट्र गवर्नमेंट मजदूरों को खाने की व्यवस्था नहीं कर, लोग वहाँ भुखमरी के कारण वहाँ से निकलकर मजबूर हो गए हैं कि अपने घर को जाएं। एक व्यक्ति जो गरीब आदमी वहाँ कमाने के लिए गया था वो 3,000 रुपए देकर अपने घर के लिए जा रहे हैं।